श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कभी सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन के वजह से वो डूब जाता है। कभी कभी किसी इंसान का मुंह उस व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है परंतु रिश्ते के खत्म होने का सत्य नहीं। जिस प्रकार तुम्हें दुख प्रिय नहीं होता उसी प्रकार अन्य जीवों को भी दुख प्रिय नहीं होता। किसी को पीड़ा पहुंचाकर यदि तुम अपने सुख की कामना करते हो तो तुम्हारी ऐसी कामना बिल्कुल व्यर्थ है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द बढ़ा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। अच्छा काम करते रहो कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्य उदय होता है तब करोड़ों लोग नींद में होते हैं, फिर भी सूर्य उदय होता ही है। शंका का कोई इलाज नहीं होता चरित्र का कोई प्रमाण नहीं मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। आपके पास क्या है यह मायने नहीं रखता, परंतु आप उसे कैसे प्रयोग करते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है, विचार शक्ति जितनी ऊंची होती है व्यक्ति उतने ही ऊंचे कार्य करता है। जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत देखता है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता और जाता रहता है। सृष्टि में एक प्रेम ही है जो लाख प्रयत्न करो खत्म करने का तो भी वो और बढ़ता ही जाता है। किसी का भी दिल मत दुखाओ, क्योंकि तुम्हारे क्षमा मांगने के बाद भी उसे दुख अवश्य रहेगा। जैसे दीवार में से कील के निकल जाने के बाद भी उसमें खेद रहता है। गजब की मोहब्बत है वो जिसके साथ रहने की उम्मीद दिल
शुमार हो। प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते, प्यार और तकदीर कभी साथ साथ नहीं चलते। जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो कभी तकदीर में नहीं होता। कृष्ण ने राधा से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधा ने मुस्कुरा के कहा, बस मेरे नसीब।